अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर अब्दुल असीब। आज जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 में, वो है एक्सेलरेशन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी चेंज होती है जब किसी खास वक्त में, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है वी एफ माइनस वी आई अपॉन पी। वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, और अपॉन टी यानी टी से ये डिवाइड हो रहा है टाइम से। इसका यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन एसआई सिस्टम इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा जाता है। और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो ये एरो है ये शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज थी वो इनकी टाइप्स है। हमारे पास इसकी चार टाइप्स होती हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। और जब जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब फोर्स के अगेंस्ट एक्सीलरेशन आएगा। यानी जहां पर आपकी गाड़ी चल रही थी, आपने ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स का मतलब आप उसको रोक रहे हो और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है जो लगातार यूनिफॉर्म पैदा होता जा रहा है, वेरिएबल मतलब एक ही तरह का एक्सीलरेशन जो है वो चलता जा रहा है। और वेरिएबल का मतलब एक्सीलरेशन कम ज्यादा होना। और एवरेज यानी सिंपल चेंज इन वेलोसिटी है, वी एफ माइनस वी अपॉन टी एवरेज एक्सीलरेशन कहलाता है। अब इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से स्टार्ट होती है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी है, वी एफ माइनस वी अपॉन टी। अब ये वाला टी जो है ये इधर आगे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई। अब आपको वी एफ चाहिए तो ये माइनस का वी इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, और फाइनल में हम लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम इसकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे। इसमें सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो है वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू। ये एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा, एस इज इक्वल टू वी बार इंटू टी यानी एवरेज वेलोसिटी। अब वी बार यानी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हम ये वाली इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमने अभी जो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव की थी उसके मुताबिक वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। और यहाँ पे जो वी एफ की वैल्यू पुट की, वी एफ की वैल्यू 3 इक्वेशन में है, क्वेश्चन नंबर इस 3 में, वहां पर हम ये वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये वी आई और ये वी आई दो वी आई है, ये प्लस होकर 2 VI बन जाएगा प्लस ए टी अपॉन टी। अब हमने इस 2 को, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये दोनों का एलसीएम है, इसको हमने ब्रेक करा तो ये बन जाएगा 2 VI अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये वी आई के साथ टी मल्टीप्लाई हुआ तो वी आई टी हो गया। और ये ए टी टी इंटू टी टी का स्क्वायर हो गया, तो 1/2 ए टी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ए टी का स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट इसकी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी हम एवरेज वेलोसिटी से ही स्टार्ट करेंगे, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 से। और यहाँ पे भी हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमारे पास बन जाएगा वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ले रहे हैं जिसमें हम अभी टी की वैल्यू को निकालेंगे, तो ये वी आई जो प्लस का था इस तरफ आके माइनस का हो गया, और ये ए जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया, तो टी की वैल्यू बन गई वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब ये टी की वैल्यू हम इस टी में पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएगी वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब यहाँ पर 2 जो है ये ए से मल्टीप्लाई होकर 2A हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी जो इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस लिहाज से होगा कि वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई, उस आइडेंटिटी के मुताबिक ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 2 जो है इधर जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2AS हो जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास है मोशन अंडर द ग्रेविटी। इसमें सिंपल हमने क्या पढ़ा है कि जो हम फ्री फॉलिंग कर रहे होते हैं, यानी जब हम ऊपर से गिर रहे हैं तो हम सेंटर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहे होते हैं,
और जिस रफ्तार से जिस एक्सीलरेशन से हम आ रहे होते हैं उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये जितनी भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करके आए थे उसमें ए की जगह पे जी आ गया है और यहाँ एस की जगह पे एच आ गया है और यहाँ पे भी ए की जगह जी आ गया है। तो ये तमाम की तमाम मोशन, ये इक्वेशन मोशन अंडर द ग्रेविटी बनती है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।